मैं बहुत बड़ी फैन हूँ अब तो आप लोग समझ गए होंगे मैं इतनी हाँ, बार हाँ, शाहरुख सर बोला है मतलब हाँ, उन्हें इतना अच्छा लगा था कि वो उन्होंने ना मेरे को यहाँ पे किस करके ऐसे गॉड ब्लेस यू करके वो चले गए थे और मेरे लिए था कि शाहरुख सर ने ये क्या गाइस डिड यू ऑल सी या मैं ये मतलब सपना देख रही हूँ तो ऐसा था मेरे लिए वो मोमेंट शाहरुख सर ये yes, हाँ, दो बार मिल चुकी उनसे एक बार दो में मिली थी तब मैं रेड कार्पेट होस्ट कर रही थी एंड उन्हें मैं सवाल कर रही थी मेरा एक फोटो बहुत क्यूट सी मैं ऐसे करके माइक पकड़ी और मेरे ऐसे स्टार स्ट नहीं होता है एकदम फेस ऐसा लग oh रहा मैं इतनी खुश थी तभी उनका वो फेस चल रहा था जब उन्होंने ऐसे छोटी सी पोनी पानी थी हाँ वो बहुत अच्छे लग रहे थे उस टाइम पे मतलब तो वो हर एक लुक में इतना अच्छे लगते हैं बट दैट हैपन्स टू बी वन ऑफ माई फेवरेट फेजेस एंड देन आई वॉज लाइक उनका इंटरव्यू ले रही थी एंड लास्ट में मुझे याद है उन्हें इतना अच्छा लगा था मैं जैसे आप मुझे सवाल कर रहे हो मैं उन्हें कर रही थी उन्हें इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने ना मेरे को यहाँ पे किस करके ऐसे गॉड ब्लेस यू करके वो चले गए थे एंड मेरे लिए था कि शाहरुख सर ने यह क्या गाइज डिड यू सी या मैं ये मतलब सपना देख रही हूँ तो hmm. ऐसा था मेरे लिए वो मोमेंट एंड यू विल नॉट बिलीव एग्जैक्टली अर डेकेड लेटर तो मैं दुबई जा रही थी एक यू के इवेंट के लिए मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम गाना भी गाया वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए एंड ऑल ऑफ़ दैट तो मैं बहुत ऐसे थोड़ी सी नर्वस थी कि यू you नो know, ये लाइव पूरे ग्लोब में लाइव हो रहा है मतलब लिटरली द वर्ल्ड इज गोइंग टू वॉच दिस परफॉर्मेंस एंड अलग अलग लोग आए हैं जो अपने कंट्री से आए हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी तो मैं फ्लाइट में थी एंड मैं बिजनेस क्लास में थी एंड एम लाइक अरे बाप रे ये होने वाला है ये होने वाला है कुछ घंटों में होने वाला है एंड मैं प्रे करी थी कि सब अच्छा हो एंड देन मैं देखा फर्स्ट क्लास में शाहरुख सर बैठे लाइक शाहरुख सर बैठे वॉट hmm. एंड देन uh, जो एयर होस्टेस थी उन्हें क्योंकि मैं यू की गेस्ट थी तो उन्होंने मुझे लैंड uh, करने से पहले ही कुछ uh, देर पहले उन्होंने मुझे बिजनेस से फर्स्ट क्लास में लेके आए थे कि मैं जल्दी से जा पाऊँ तो उन्होंने मुझे लाया एंड वो फर्स्ट सीट में बैठे थे लाइक mm. like, मुझे बात करनी पड़ेगी मुझे बात करनी पड़ेगी uh. मैं मतलब मैं बहुत बड़ी फैन हूँ अब तो आप लोग समझ गए होंगे मैं इतने हाँ, बार हाँ, शाहरुख सर बोला है मतलब हाँ, वो मेरे इतने बड़े इंस्पिरेशन है ना मैं क्या बताऊँ तो मैं बोला कि उनकी मैनेजर बैठी थी पूजा जी एंड उनको मैंने बोला कि हाई सर एक्सक्यूज मी तो मैं ऐसे खड़ी हूँ मेरे पापा पीछे पूजा दी बैठी उनके पास शाहरुख से बैठे तो मैं शाहरुख सर

एंड इतने पेशेंटली उन्होंने मेरी बातें सुनी मैंने उनको दिखाया वो फो मतलब आपको प्लीज़ मैं फ़ोटो दिखाऊँ इस हाँ like, दिखाओ मैंने उनको दिखाया वो फोटो एंड वो इतने खुश हुए और फिर वो निकल रहे थे ऑफकोर्स मेरे पहले वो जाएंगे वो जा रहे थे एंड hmm. उन्होंने ऐसे करके ऐसे गॉड ब्लेस यू बेटा करके गए एंड हम लाइक दस साल पहले भी उन्होंने गॉड ब्लेस यू बेटा बोला और मेरे दस साल मतलब लास्ट दस साल में जो जो हुआ है इट्स ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल क्योंकि मैं मतलब तो जो अचीव किया मैं कहती हूँ कि उनके ब्लेसिंग से भी हुआ yeah. है क्योंकि आई रियली अप टू हिम एंड देन उस दिन उन्होंने वो ब्लेसिंग दी मैं बोला बस अब ये इवेंट तो बहुत ही अच्छा जाएगा